और बड़ी खबर सीरिया से, वहां इसराइल की सेना ने सीरिया के एयरपोर्ट अलेप्पो पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे वो एयरपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। इसराइल का आरोप है कि इस एयरपोर्ट पर ईरान से आने वाले विमानों के जरिए हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। कुछ रोज पहले भी इसराइल ने अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। हमास ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से हाथ मिला लिया है। खुफिया सूत्रों से खबर है कि दोनों आतंकी संगठनों ने इसराइल पर भयानक हमले का प्लान तैयार किया। अरब लीग ने साफ कह दिया है कि इसराइल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच इसराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और अमेरिका के CIA को पता चला है कि हमास हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल को जमीन पर तबाह करने का प्लान बना चुका है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमास के साथ हिजबुल्ला की लड़ने की ताकत कैसी है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। हमास और हिजबुल्ला के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज्यादा स्पेशल सुसाइड लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास स्पेशल फोर्स स्तर के 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हिजबुल्ला कमांडो सक्रिय हैं, जबकि हिजबुल्ला के 25,000 लड़ाके रिजर्व में हैं। हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि वो इसराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके अलावा हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से दबा कर डालेगा। यहाँ तक कि हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। उत्तरी गाजा से भागे 11,00,000 सुरंग में घुसा हमास। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इसराइल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इजरायल के इलाकों में दाग चुका है।